चौकाघाट स्थित ऐतिहासिक प्राचीन पौराणिक मान्यता प्राप्त श्री राम जानकी राधा कृष्ण साधना मंदिर के प्रांगण में वरिष्ठ पुजारी एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा एक बैठक कर मंदिर के सुंदरीकरण एवं भूमाफिया के चक्र से मंदिर को संरक्षित सुरक्षित करने के संदर्भ में वैचारिक चर्चा की गई। इस अवसर पर मंदिर के प्रधान पुजारी पवन कुमार पांडे व सुशील कुमार पांडे ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के माध्यम से नगरवासियों क्षेत्रवासियों से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार से मंदिर के सुंदरीकरण के लिए अपेक्षित सहयोग व भूमाफियाओं से मंदिर को बचाने की अपील की। इस बैठक में रामलखन सिंह, महेश यादव, मंगेश राय इत्यादि लोग शामिल रहे। किस प्रकार की प्रेस वार्ता यहाँ पर आज आयोजित की गई और किस संदर्भ में? प्रेस वार्ता आज इसलिए आयोजित की गई है कि इस प्राचीन मंदिर का सुंदरीकरण हो और इस सुंदरीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार एवं नगर के क्षेत्रवासियों का, नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों का सहयोग मिले और इस प्राचीन मंदिर का सुंदरीकरण हो और ठाकुर जी का निर्विघ्न पूर्वक राग भोग लग सके। ये मंदिर कितना पुराना है? मंदिर लगभग करीब 200 साल पुराना है मंदिर। तो इसको सुंदरीकरण के लिए किस किस से आप लोगों ने अपील किया है और आज किस तरह का बैठक हो रहा है मंदिर का? मंदिर में आज का बैठक इसलिए बुलाया गया है कि आप सब लोगों का सहयोग मिले, नागरिकों का सहयोग मिले, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिले, सरकार का भी सहयोग मिले। और अभी तक तो केवल नागरिकों और क्षेत्रवासियों का ही सहयोग मिलता रहा है, अब मैं आगे शासन और प्रशासन से भी सहयोग का अपेक्षा करता हूँ कि शासन और प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहे। आप किसी भूमाफिया का जिक्र कर रहे थे? हाँ, इस मंदिर को हड़पने के लिए इस मंदिर पे भूमाफियाओं का भी नज़र बहुत दिनों से लगा हुआ है। समय समय पर वे भूमाफिया अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते रहते हैं, यहाँ पर आकर के अगल बगल अपना लोगों से कहते रहते हैं। क्या नाम है, कहाँ रहने वाले? नाम उनका सत्य प्रकाश श्रीवास्तव है, पाड़िया क्षेत्र के हैं। इसको लेकर सरकार से क्या गुहार लगा है? सरकार से भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, बहुत पहले प्रार्थना पत्र दिया गया है, फिर दिया जाएगा और फिर पुनः दिया जाएगा उनके खिलाफ सरकार को। किस तरह का सुंदरीकरण चाहते हैं? क्या सरकार मुख्यमंत्री से आह्वान करना चाहते हैं कि आपके मंदिर को किस तरह का सुंदरीकरण किया जाए? तीन सेट लगे, पुट्टी और पेंट वगैरह हो, कुछ मरम्मत हो। बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत दिन हो गया इसको, मतलब मरम्मत वरम्मत कराए तो इस मंदिर का मरम्मत भी हो जाए और कुछ टूटा फूटा रंग पेंट लग जाए, थोड़ा टीन शेड लग जाए कि दर्शनार्थियों को।